हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग शौर्य त्रिशा ब्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं मिंट और एप्रिकॉट की चटनी। मिंट ये मेरे किचन गार्डन का है, एप्रिकॉट हमारे हिमाचल में पाया जाता है, इसका एक पेड़ होता है, पेड़ में ये लगती हैं। अब हम इस एप्रिकॉट के अंदर सीड है उसको हम सेपरेट कर लेंगे। अगर आप इसको एप्रिकॉट को खाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसमें विटामिन ए सी ई पाया जाता है और ये आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। हम इस तरह से इनको सीड को अलग कर देंगे। सेपरेट करने के बाद हम इनको तोड़ लेंगे। हमारे हिमाचल में इसे गुट्टी भी कहते हैं। आप देख रहे होंगे दो तरह की हैं, एक जो मैंने अभी तोड़ी हैं और एक ड्राई है। धूप में सुखाने के बाद ये ऐसी हो जाती हैं। अब हम एक ओखली लेंगे, ओखली में हम इन गुट्टी को डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े करके ही इसे तोड़ेंगे। हार्ड प्लास्टिक एक कवर से इसको ढक लेंगे। ढकने के बाद हम इसको एक डंडे की हेल्प से इसको तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद इसके अंदर से छोटी छोटी सीड्स निकल आएंगी। देखिए छोटी छोटी सी इसकी सीड निकल आई हैं। इन सीड से हम चटनी बनाएंगे। इसी तरह हम सारी गुटियों को तोड़ देंगे और सीड निकाल देंगे। सीड निकालने के बाद हम इसको एक ट्रे में निकाल देंगे। देखिए मैंने सारी निकाल दी है। चलिए अब हम चटनी की तैयारी करेंगे। पुदीना ले लेंगे, ये मेरा किचन गार्डन का पुदीना है। एक प्लेट ले लेंगे। एक प्लेट में तीन अनियन लिए हैं और खुमानी का जो हमने बाहर का पार्ट निकाला था, गुट्टी और मिर्च। हम पुदीना ले लेंगे, बहुत सारा निकाला था हमने, इतना नहीं डालना है, थोड़ा सा क्वांटिटी में डालना है। इस तरह से हम इन सब को पीस लेंगे। सबसे पहले हम गुट्टी को पीस लेंगे। ये देखिए गुट्टी को पीसने के बाद मैंने खुमानी का पल्प बना दिया है, प्याज को भी मैंने ग्राइंड कर लिया। अब हम इन सब को एक साथ मिक्सी में पीस लेंगे। ये हम अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। जीरा, थोड़ा सा आमचूर डालेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि एप्रिकॉट भी थोड़ा खट्टा होता है। थोड़ा सा धनिया पाउडर, सौंफ फ्लेवर के लिए, जो आपको पसंद हो आप इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी अजवाइन, ब्लैक सॉल्ट और चाट मसाला भी ऐड किया है इसमें। अब मैंने इसमें वाइट सॉल्ट हमने पहले नहीं डाला था, मैंने अब डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे क्योंकि जैसे हम इसे पीसेंगे तो ये हार्ड होते जाएगी। अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे और ये देखिए हमारी चटनी रेडी हो गई है और कितनी शानदार बनी है। Thank you for watching my channel. If you like my channel, then subscribe and like. Thank you.